हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम फॉर्मेटिव असेसमेंट FA1 क्लास 10th सोशल स्टडीज़ का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले होंगे। सो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का मैं आपको आंसर की भी इसी वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके, सो आपको आंसर की भी मिलेगी फुल और साथ ही में इसका क्वेश्चन पेपर भी, और आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर सर्च करना है www.arfindia.com, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक भी प्रोवाइड कर दी गई है। सो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के साथ में इसके आंसर की भी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो फटाफट से आप आंसर की को भी नोट करते हुए चलिएगा। ओके, सो यहाँ पर हम क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें, जिससे ऑल भी स्टूडेंट्स जितने भी उन सभी की भी हेल्प हो सके। और साथ ही में फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले और वीडियोस आपको ऐसे मिलते रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर आंध्र प्रदेश लाइज बिटवीन डैश एंड डैश लैटिट्यूड्स, इसमें बताना है आपको। द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय, किसके द्वारा पब्लिश होती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। एंड द इमीडिएट कॉज फॉर द वर्ल्ड वॉर, ठीक है, कब हुई थी यहाँ पर बताना है। रशिया फॉलोड डैश कैलेंडर अंटिल 1918, ठीक है। तो हम इनके आंसर्स देख लेते हैं, जो हमें लैटिट्यूड बताना है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, 12°41′19′07, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड है। और जो सेकंड है वो वर्ल्ड बैंक प्रोसीड करता है, और मर्डर ऑफ फ्रांस फर्डिनेंड, ठीक है। और जो लास्ट है वो है जूलियन कैलेंडर, जिसमें प्रकाशित होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ से, ठीक है, फटाफट से हम देख लेते हैं बी पॉइंट में फिफ्थ क्वेश्चन से हमारा, जो कि कितना मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। ओके, ईच क्वेश्चन यहाँ पर आपको करना है। तो फर्स्ट है द पेनिस्यूलर प्लेट कंसिस्ट ऑफ, किसको कंसिस्ट करती है, ठीक है, डेक्कन की है, छोटा नागपुर प्लेटन है, मालवा प्लेटन है, ऑल ऑफ दिस। द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है ना वो किसके द्वारा पब्लिश होती है, UNHRC, UNDP, यूनिसेफ एंड WHO, ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड नेक्स्ट है द ट्रिपल एंटेनिक वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, कौन से फॉर्म में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द बुक एनिमल फार्म वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा रिटन है। यहाँ पर आपको बताना है, एम एन रॉय है, सर्ज है, सेनमन है, और शुकात उस्मानी है, जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। सो हम इनके आंसर देखते हैं फटाफट से। फर्स्ट आंसर में ऑप्शन नंबर ए राइट है, और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में, और जो सिक्स्थ उसके लिए बी ऑप्शन नंबर राइट है, ठीक है, सेवन्थ के लिए भी बी है, एंड एट्थ के लिए डी है। ओके, सो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नोट करना है, फर्स्ट में यहाँ पर डेक्कन आ जाएगा, और जो उसमें नेक्स्ट में हमारा वो आ जाएगा UNDP रिपोर्ट जो होती है, ठीक है, पब्लिश्ड होती ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट में हमारा आ जाएगा ट्रिपल जो है 1907 में हुआ था, एंड लास्ट हो जाएगा हमारा जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है, जिनके द्वारा बुक एनिमल फार्म पे लिखी गई है, द बुक एनिमल फार्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी 2 मार्क्स के लिए, इसके भी आंसर्स हम देखेंगे। नेम द लेक्स विच आर लोकेटेड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, ईस्टर्न कोस्टल में जो है वो आपको लेक्स यानी झील के नाम लिखना, ठीक है, जो स्थित है। इसके बाद है गिव सम एग्जाम्पल्स फॉर नॉन इनकम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ पीपल, इसका आपको एक्सप्लेन करना है। तो वैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1-1 ईच क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा 1 मार्क्स के, ठीक है, 1-1 मार्क्स के। तो आप इनको सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो 1 या 2 लाइन में। व्हाट आर ड्यून्स, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 or 3 sentences, इनको थोड़ा सा ज़्यादा कवर करना है, क्योंकि ईच क्वेश्चन यहाँ पर आपको 2 मार्क्स के मिलेंगे। ओके, सो 2 मार्क्स के लिए थोड़ा सा और डिटेलिंग हो जाएगा। गिव सम लेसन फॉर गिविंग लेस प्रायोरिटी फॉर गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में करना है डिफाइन। और द हिमालयस आर बून टू इंडिया, ठीक है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, इंटरप्ट द स्टेटमेंट, इसको करना है आपको। जो नेक्स्ट है वो है आपके पार्ट ऑफ द 4th-8th mark क्वेश्चन यहाँ पर है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड कंपेयर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू अबाउट ग्रेट डिप्रेशन विच आर, वुड यू एग्री विथ वाई, ठीक है, विच वन इनमें से किस में आप एक एग्री हो नहीं। सो चलिए लेट्स हम इसके आंसर देख लेते हैं। चिल्का एंड कोलेरो लेक से जो हमें लिख्स वन बताना था, इस टर्न पे है। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें 10A में लिख लीजिएगा इक्वल ट्रीटमेंट फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। ओके, और जो क्वेश्चन 11 है उसमें आ जाएगा अ ड्यून इज अ माउंड ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय द वाइंड यूजुअली अलोंग द बीच और इन अ डेजर्ट, ठीक है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। तो यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 12 का आंसर, पेरेंट्स गिव लेस प्रायोरिटी टू गर्ल्स एजुकेशन कंपेयर टू बॉयज, बॉयज़ की तुलना में गर्ल्स को बहुत जो है सेक्रीफाइसेस भी रहते हैं इसमें बहुत सी चीज़ें। द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज जेंडर बीएस, ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न यही है। पेरेंट्स बिलीव दैट बॉयज देयर हियर एंड सीपरेट्स देयर क्लेन, दिस वेरी नोशन इमीज इन टू चिल्ड्रन एज फादर इज द डिसीजन मेकर इन द फैमिली, ठीक है, सारे घर के निर्णय पिता लेते हैं, तो यही फोकस जाता है बच्चों पर भी, यही जाते ही क्षमता।
और उसके बाद में जो 13th क्वेश्चन है उसका लिख लीजिएगा, द हिमालयाज एक्ट एज बून फॉर इंडिया एज दे एक्ट एज अ बैरियर टू कोल्ड सिबेरियन वाइंड्स दे गिव ट्रॉपिकल टच टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया दे स्टॉप रियर बियरिंग मानसून वाइंड्स फ्रॉम क्रॉसिंग इन टू टाइबेट एंड फोर्स द वाइंड्स टू शेड देयर मॉइस्चर विद इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो ये आपका आंसर्स मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोवाइड कर दिए हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से, चैनल फर्स्ट टाइम आया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और आने वाले FA1 से संबंधित सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल सके। सो फटाफट से देख लीजिए और नोट कर लीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। श्योर है आपका 100% यही क्वेश्चन पेपर रियल पेपर है, तो आप इनको फटाफट से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।